हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो ये है हमारी दूसरी वीडियो दिल्ली टू लेह की। आज हम मनाली से निकल रहे हैं, मतलब आज की वीडियो में हम मनाली से निकल रहे हैं और हम स्टे करेंगे जेस्पा पे। और आज की मतलब मैं जब मनाली से यहाँ के लिए निकला जेस्पा के लिए, तो मैंने गोप्रो लगा लिया था, तो कुछ शूट्स मेरे होंगे, लक्ष्य के होंगे, ड्रोन का होगा, बाइक होगी, मतलब सब कुछ होगा। सो रेस्ट एंड एंजॉय। अरे मोहित भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्या बात है। बाइक बाइक तैयार कर रहे हो, सुबह राइड पे जा रहे हो क्या? हमारे साथ जा रहे हो? कहीं से सुनने में आया था कि दिल्ली जा रहे हो तुम। क्या कह रहे हो, 3 दिन मनाली में हो चुके हैं, मैं घर जा रहा हूँ। तो बाय द वे, हमारा 4th डे है मनाली के अंदर। जिस दिन हमारे से वो day 1 था, उसके बाद एक और day 2 था, और कल हम यहाँ पे रुके थे। भाई हो गया रेडी? हेलो, सही है तबीयत? अभी तो एकदम सही है, तभी तो कहा मैं। भाई टायर इसने फिर लोड कर दिया। ये तू कह रहा था मैं टायर कर दूंगा, बर्नआउट कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कब देखने को मिलेगा मेरे को? अभी किस आगे चल रहा है? नहीं नहीं, तो ये टायर हम इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि ये C8 का टायर ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा, लगभग 1000 किलोमीटर के बाद। तो टैक्स हमारा कट गया है, मोहित के हो गए 50 रुपये, मेरे हो गए 200 रुपये। अच्छी बात है, इन्होंने हमारी गाड़ी SUV में नहीं गिनी। अगर इतना बड़ा सेटअप देख लेते ना, फिर तो स्कॉर्पियो घोषित कर देते मेरी गाड़ी को ये। तो चले फिर, नेटवर्क जा चुके हैं। अरे यार देखना, जियो वाले में है तो एक बार फास्टैग में डालने हैं। आ जा आ जा। तो वेजिटेबल्स ले लिए, और क्या ले लिया? तुम मानोगे नहीं भाई, है ना? थोड़ी पीनी है। बिल बांट के खाएंगे, बिल बांट के पियेंगे पेप्सी। क्या पेप्सी का प्रमोशन थोड़ी चल रहा है? क्या क्या वेजिटेबल्स ले लिए? अगर पेप्सी वाले पैसे देंगे तो आलू टमाटर खीरा, प्याज, आलू टमाटर खीरा। भाई यहाँ प्याज और धनिया ही पैसे लेते हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में काफी दूर लाना पड़ता ना। दिल्ली में तो इतना सारा सब्जी के लो बहन जी लो, और अच्छा मिर्ची चाहिए ये भी लो, कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है सब कुछ। चले प्रधान, तुम कहाँ गाड़ी में आ रहे हो? ये सामान तो लाओ ना, हम रख लेते हैं, तुम तकलीफ क्यों ले रहे हो इतनी? स्टिंग यानी कि तो जो नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन है वो लगभग 350 किलोमीटर दूर है। तो ये टांडी का आखिरी पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल के लिए तो भाई लाइने हैं लाइने। मैं पूछो कौन सा नंबर चल रहा है? 5-7 तो बाइक ही खड़ी है। मैं दूसरी तरफ से आता हूँ।
मुहाइना करने। तो ये डीजल वाली लाइन है, वो है पेट्रोल वाली लाइन, और 365 तो आराम से चलती है ये। इससे मतलब 450 किलोमीटर चल जाएगी तेरी दो जरी के अंदर बाइक में। मेरी तो जाके कहीं और भी घूम सकती है। फुल टैंक में है ना, मैं आराम से 300 राउंड ले सकता हूँ। हाँ, पहाड़ों में कम ही लगता है, ऐसा फ्यूल डाउन नहीं ज़्यादा है। तो ये जेरी कैन पहले फुल कराते हैं, उसके बाद गाड़ी का नंबर आएगा। तो ये ढलान वलान जहाँ आएंगी वहाँ हम थोड़ा सा फ्यूल बचा सकते हैं क्लच होल्ड करके। बाकी जाम होता ना आगे ट्रकों के लगे हुए। जाम है? हाँ, डेढ़ सौ दो आगे छोड़े। अब वो ट्रक साइड में खड़े होते हैं, गाड़ी वाले साइड से जा सकते हैं, गाड़ी की अलग लाइन बन जाती है। गाड़ी भरनी है। गाड़ी कौन सी? पीछे वाली? पीछे वाली 1348 1400 ही करा ले। टैंक में नहीं भरवा? भरवा दिया भाई, सब भर गए। तो अभी हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है, और ये है जिस्पा लोकेशन बिल्कुल ओके। ये है जिस्पा लोकेशन बिल्कुल अच्छे मिली है ना भाई। हवा बहुत तेज चल रही है, माइक में हो सकता है फटफट फटफट आ रही हो। और हिमालयन देखो सामने। तो अभी टेंट के बेस के लिए हमने टेरापोलन बिछा दिया है। व्यू बहुत ही बढ़िया है, और सही टाइम से हम यहाँ पे आ गए, 2:12 हो रहे हैं। अच्छा हुआ कि हमने स्टेप बाय स्टेप एलिवेट करने का सोचा।
ये रहा कैंप, इसको सीधा तरपाल पे लगाएंगे। सो दिस इज द डे वन ऑफ आवर कैंपिंग। कैसा मजा मोहित? ठंड लग रही है अभी, शाम हो गई। अब कुछ खाना वाना बनाए? अभी जो बॉटल्स हैं वो पड़ी हैं इस ठंडे पानी में और ये पत्थर से हमने ढकी हुई है और कम से कम एक डेढ़ घंटे से इसके अंदर पड़ी है, तो ये ऑलमोस्ट भाई चिल्ड हो गई होंगी। भाई पानी नहीं, थोड़ा दूध है कोई। पिलाओ तो सही जरा। ठंड बहुत, निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने कैंप सेटअप करा हुआ है, इधर हमारी कार है और वहाँ पे भी कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, एक टेंट उधर, एक उसके आगे और एक उसके पीछे भी। तो अभी हम आ गए हैं कैंप के अंदर और हमने इसका जो डोर है बंद कर दिया है। भाई कितना सुकून है ना टेंट के अंदर, जस्ट लाइक अ होम। मोहित यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अभी मैं चॉपिंग करूँगा। भाई पहले मैगी खाते हैं ताकि थोड़ा पेट को सुकून मिले, उसके बाद मेन कोर्स की तैयारी लगाते हैं और थोड़ा जल्दी सो जाएंगे क्योंकि मेरे को एडिट भी करना है। ओके तो चलो भाई चॉपिंग करते हैं। तो ये कैन का हमारा वाटर डिस्पेंसर है, थोड़ा हम ये जो हमारा बर्तन है इसको साफ कर रहे हैं। भाई इतनी देर पानी आने में, मैं पाइप भी तो खींचता है पानी। ओहो देख रहे, इतना ऑटोमेटिक सीन, मॉड्यूलर टेंट विथ ग्रेट टेक्नोलॉजीज। ये तो पहले कैसे होता है, ऐसे बोतल पकड़ो, ग्लास में डालो, फिर या किसी में डालो। वो अच्छा, जितना लेना उतना ही बटन दबाओ है। इस सिलेंडर पे भी हमने थोड़े बहुत पेंट से ग्रेफिटी बनानी थी बट वो रह गई। ये वैसे रेड कलर का सिलेंडर था, इसको हमने मैट ब्लैक में पेंट करा, मैट ब्लैक में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये हमारा पैन जिसमें बनाएंगे। क्या हुआ? इसमें डाल देना कूड़े में, कूड़े में तो जलना चाहिए ना। ना मैं ठंडा हो जाएगा ना, बाद में डाल दिया साइड में रख के जला। कर दिया लाइट अप, तेल लाओ भाई, तेल तेल ना हो घी में। पहले गर्म होने देता इसको, कोई नहीं हो जाएगा। ऐसा लग रहा है वो है ये कैरेट, बहुत है इतना सारे डाल दे। कोई नहीं, चिकन के लिए भी तो बनाएंगे अभी, मसाला तो उसमें यूज हो जाएगा। तेज कर देते हैं इसकी आँच। तो मैगी बन के तैयार है, इसके बाद डिनर की जगह बचेगी पेट में, थोड़ी बहुत बचेगी। वैसे बाउल्स में जब चली जाएगी ना तो कम हो जाएगी, ऐसे देखने में लग रहा है कितनी ज्यादा है। क्या हो गया? खुशबू। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहोगे? भाई अभी चल रही है यहाँ बर्तन की धुलाई, बर्तन धुलाई नहीं, यूटेंसिल्स वॉशिंग विद व्यू। तो व्यू कुछ ऐसा है बॉयज एंड गर्ल्स, पहले काफी तेज हवा चल रही थी, अब थोड़ी हवा कम है। भाई मेन्यू क्या है आज का? फिर आज बनाएंगे चिकन एंड राइस। चलो गाइस, इसके बाद हम मिलते हैं आपको सीधा खाने के साथ। अक्षय की मैं तारीफ करना तो भूल ही गया, घर में अक्सर छोटे मोटे जो स्नैक्स बनते हैं या मेन कोर्स भी कभी बार बनाना होता है तो अक्षय बना लेता है। तो अभी क्या बनाने वाला है चिकन के साथ? चिकन एंड राइस। पर चिकन को तू कैसे, क्या करने वाला अभी मैरिनेट कैसे करेगा? अच्छा ये जो टैलेंट है ये तेरे को कैसे, गूगल से आया है कि यूट्यूब से आया? किसकी वीडियो देख देख के? किसी की भी। अच्छा तो मतलब कैसा लेमन चिकन बना रहा है, क्या बना रहा है? जो बन जाए यूट्यूब पर देख देख के सब सीख लिया। नहीं अच्छा बढ़िया बनेगा ना? हाँ बढ़िया बनेगा, इतनी गारंटी। तो इसमें इतनी गारंटी है? गारंटी तो जियो वालों ने दी। जियो वालों ने क्या डाल रहा है अभी इसमें? लेमन स्क्वीज कर रहा है ये। तो वहाँ पे अभी हमारे राइस कुक हो रहे हैं और उसकी जो गैस की फ्लेम की जो गर्मी है ना वो पूरे यहाँ तक आ रही है। तो पहले क्या जाने वाला अक्षय? चाट। चाट मसाला लाए हम? मेरी ख्याल नहीं लाए। ऐसे हाथ में मत डालना। ओ टेक्निक्स। स्वाद अनुसार जाता है, स्वाद अनुसार। सुन रहे हो? स्वाद अनुसार। कल काठी तो खिलाएगा इसका मतलब? अंडे और मैदे का इंतजाम कर देना।
ट्राई करो ना बाकी सारे। सो हे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। जो ये वीडियो है वो भाई प्रिपरेशन तक की, मुझे खाना प्रिपरेशन तक का ही मिला, आगे का कोई वीडियो वगैरह कंटेंट मिला नहीं मेरे को। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हुए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारी जर्नी स्टार्ट होगी जसपा से शिंकुला होते हुए गोम्बोक रंजन पहाड़ तक की। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।